हाय ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी डिवाइन सोल्स का स्वागत है। दोस्तों, अर्थली मैरिज मीनिंग 3D यूनियन, 3D मैरिज कब होती है? ट्विन फ्लेम के साथ। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, डेफिनेटली आपने साइन सिम्टम्स देखे होंगे। इफ़ यू आर इन दिस ट्विन फ्लेम जर्नी, देन कई बार आपकी 3D मैरिज नहीं हो पाती। अर्थली मैरिज जहाँ हम लोग रहते हैं, 3D यूनियन नहीं हो पाता है। और इसके क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ते हैं आपकी लाइफ में, क्या आपके रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट पड़ते हैं, अगर इस 3D मैरिज को हैपनिंग करना है तो क्या कुछ हमको करना पड़ेगा, इससे इसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपके करियर ग्रोथ, सभी कुछ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। कितना कुछ चेंज आता है, चलिए डिटेल से जानते हैं। एक्चुअली अगर आप इस जर्नी में होंगे, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे, तो 3D मैरिज अगर आपकी हो गई तो आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। चलिए डिटेल से जानते हैं। अगर किसी कारण से आपकी ये 3D यूनियन या 3D मैरिज पे बात कर रहे हैं वो नहीं हुआ, तो क्या बैड इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है और क्या कुछ झेलना पड़ सकता है आपको, चलिए जानते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, फिर जो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लीजिए। नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी डिवाइन सोल्स का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दोस्तों। दोस्तों, कई सारे लोग 3D यूनियन चाह रहे होते हैं। मैं यहाँ पर 3D मैरिज की बात करूँगा। अगर आपकी मैरिज, आपकी अर्थली मैरिज जो हुई है किसी पर्सन के साथ, उसमें लीगल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व रहता है, उसमें आपके फिजिकल इंटीमेसी इन्वॉल्व रहती है, सोशोलॉजिकल नर्म्स इन्वॉल्व रहते हैं, उसमें कुछ बॉन्ड्स इन्वॉल्व रहते हैं, जब आप 3 पिलर के बेसिस पे आप 3D यूनियन करते हैं, 3D मैरिज करते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे से आपकी मैरिज हुई, लेकिन कई बार वहाँ पे इश्यूज आ रहे होते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल मैरिज, जिसे हम कहें ट्विन फ्लेम से मैरिज, केवल तभी हो सकती है जब आपका चौथा पॉइंट भी मैच करेगा, वो है स्पिरिचुअल बॉन्ड। जब आपका स्पिरिचुअल बॉन्ड बहुत अच्छा होता है किसी पर्सन के साथ, आपके चक्र ओपन होते हैं, आप बैलेंस्ड होते हैं, आपका प्रारब्ध या किसी तरह का कर्ज नहीं होता आप पे, किसी तरह के वॉन्डेड सोल नहीं होती है, तो उसका इफेक्ट ये होता है, लीगल स्ट्रक्चर भी, फिजिकल इल्टीमेसी तो इन्वॉल्व रहता ही है, वहाँ पे आपका स्पिरिचुअल बॉन्ड भी बहुत स्ट्रांग होता है। परिणाम स्वरूप आपकी अर्थली मैरिज हो जाती है, 3D प्लेन पे मैरिज हो जाती है। उसके क्या इफेक्ट आपकी लाइफ में पड़ते हैं, उसके क्या बैड इम्पैक्ट पड़ते हैं, सबसे पहले उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ता है, इसे मैंने कई बार बताया है, आप उस पर्सन के साथ रहने लगते हैं जो आपका काउंटर पार्ट है, जो आपके शिव हैं, जो आपकी शक्ति हैं, आप कंप्लीट फील करते हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके साथ रहने से ही एक मेडिटेशन का एटमॉस्फेयर हैपनिंग होता है, आपकी जो हिडन पोटेंशियल होता है, अननोन पावर्स होती हैं, ये सिद्धियाँ शक्तियाँ आपने पास्ट लाइफ में जो भी अर्निंग करी है वो सब आपसे कनेक्ट होने लगता है। चाहे अकर्ट साइसेस में आपकी ग्रोथ हो, चाहे वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, एज अ लाइट वर्कर आपकी ग्रोथ हो, एज अ थेरेपिस्ट आपकी ग्रोथ हो, एज अ हीलर आपकी ग्रोथ हो, वो बहुत अच्छे से होने लगती है। और आप प्रेजेंस ऑफ माइंड ले लीजिए, आपके चित्त की स्थिति, आपके शरीर की स्तर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे स्पिरिचुअल बॉन्ड तो बनी रहा है। जैसे ही आप लोग साथ में होंगे, स्पिरिचुअल कनेक्शन की वजह से आपका हीलिंग भी होने लगता है। यूँ तो ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन और यूनियन कॉमन है, यहाँ पे लेसन्स इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ जहाँ पर भी जिस भी रिलेशनशिप में स्पिरिचुअल कनेक्शन तभी कहा जाएगा जब वहाँ लेसन्स रहेंगे, वहाँ सोल लर्निंग रहेगी, वहाँ कुछ रियलाइजेशन रहेगा। बट इसके अपोजिट 3D मैरिज जो होती है, हम जो कॉमनली मैरिज होती है, जहाँ पे कार्मिक के साथ या सोलमेट के साथ सम टाइम होती है, वहाँ पर आप देखते हैं लीगल वहाँ पे बॉन्ड रहता ही है, स्ट्रक्चर रहता है, फिजिकल अल्टीमेसी वहाँ पर भी होती है, लेकिन वहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। इस कारण से इसके बैड इम्पैक्ट भी कई बार देखने को मिलते हैं, जब आपकी मैरिज किसी कार्मिक पर्सन के साथ हो जाती है, कार्मिक डिवाइन मस्कुलिन ही क्यों ना हो, उन डिसऑर्डर्ड हो और किसी और का ट्विन फ्लेम है, उसके साथ आपकी मैरिज होगी, इसका बैड इम्पैक्ट आपकी लाइफ में क्या पड़ता है। पहली चीज, आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, आपके बॉडी, आपका शरीर, हेल्थ इशूज क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। वो हेल्थ इशूज आपको बॉडी वाइज भी इलनेस प्रोवाइड करते हैं, मेंटल इलनेस, इमोशनल इलनेस आती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी ब्लॉक हो जाती है।
कोई भी सोल अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बाधा बन रही है तो वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता है। हमेशा ट्विन फ्लेम आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प ज़रूर करता है। अगर वो हेल्प आपको मिल रही है, अगर आप लोग साथ में रह रहे हैं, तो आप देखेंगे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी, जैसे मैंने बताई, वो कई गुना इन्हेंस होकर आपको मिलने लगती हैं। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे चेंज देखने को मिलता है। मैं जब हॉरोस्कोप देखता हूँ, आप लोग रीडिंग कराते हैं, कई बार आप लोग साथ में रह रहे होते हैं, दो लोग फिजिकल स्ट्रक्चर सही है, फिजिकल इल्टीमेसी भी सही है, लेकिन एनर्जी लेवल में बहुत डिफरेंसेस है। ट्विन फ्लेम है फिर भी डिफरेंसेस है। वहाँ पर आप लोग जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे दूसरे के साथ, उतना धीरे धीरे आप मैच्योर और हील होने लगते हैं इस पर्टिकुलर जर्नी में। अब हम दूसरे पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि अगर 3D प्लेन में ये बैड इम्पैक्ट हमको देखने को मिलते हैं, इसके अलावा और भी आप लोगों के द्वारा जो एक्सपीरियंस मिला है वो देखने को मिलता है। दूसरा परिवर्तन, आपके करियर ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। आप क्योंकि अपने बॉडी वाइज हील्ड नहीं हैं, आपके चक्रा हील नहीं हैं, सोलर प्लेक्सस और लोअर चक्रा में प्रॉब्लम्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, रोटेशन सही नहीं है, परिणाम स्वरूप आपके करियर में बाधाएं आएंगी, डिले आएगा, या फिर आपको प्रॉपर प्रमोशन या प्रॉपर जो आउटपुट आना चाहिए वो आपकी लाइफ में करियर वाइज नहीं आ रहा होगा। ये सारे इश्यूज़ आपको फील होंगे, ये सारे आपको बाधाएं फील होंगी। आप इनको रिमूव अब कैसे करते हैं? अब हम बात कर लेते हैं चैलेंजेस इन ट्विन फ्लेम यूनियन। क्यों आपकी मैरिज आपके काउंटर पार्ट से नहीं हुई? यूँ तो अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस वर्ड से रिलेट करते होंगे ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम बेसिकली आपका ही काउंटर पार्ट है, आपके ही पूरक ऊर्जा है, जिसके कारण आप उसके साथ कंप्लीट महसूस करेंगे। आप लव की एनर्जी में आते हैं, जैसे लक्ष्मी और नारायण, शिव पार्वती साथ में हैं, सृष्टि का संचालन प्रगति पुरुष शक्ति संचालित कर रही हैं, वैसे आप भी अपने जीवन का संचालन बहुत अच्छे से कर सकते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, इस तरह से यूनियन होने पर। तो यहाँ पे चैलेंजेस ये है कि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ इनिशियल स्टेजेस में नहीं है, चाहे वो DF का हो, चाहे वो DM का हो। अगर DM का किसी भी तरह के थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मीन्स प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, मेंटली इमोशनली या पेरेंट्स वाइज का कंडीशनिंग थर्ड पार्टी में सब कुछ आ जाता है, या प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, मिसगाइड किया जा रहा है, तो भी ये इशू है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अब हम जब DF की बात करते हैं तो उसका थर्ड आइज है ही नहीं है, या साइकिक बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है या बिल्कुल नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो वो अपनी एनर्जी के कारण ही परेशान रहेगी, वो सही डिसीजन नहीं ले पाएगी, जानते हुए भी अप्लीमेंटेशन वहाँ पे नहीं हो पाएगा। दूसरा है, बहुत ज़्यादा लेस है तो वो ट्विन फ्लेम को पहचान ही नहीं पाएगी, रनर चेजर के डायनेमिक में फंस जाएगी वो। अगर रनर आ भी गया तो वो भाग जाएगी एज अ रनर बन के, या फिर एज अ चेजर बन के, फॉलो ही नहीं करेगी अपनी ट्विन फ्लेम को। तो ये सारे चैलेंजेस आपको इस जर्नी में देखने को मिलते हैं, इसी वजह से 3D प्लेन का यूनियन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्पस। कई बार यूनियन नहीं हुआ है, लेकिन पर्पस पूरा करना ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्पस सिर्फ फिजिकल यूनियन नहीं हो सकता है, फिजिकल यूनियन इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये होना है चाहिए। अगर किसी कारण से मैरिज नहीं हुई है तो पर्पस साथ में ज़रूर पूरा करना चाहिए। दो भी इंडिविजुअल सोल का जो कि ट्विन फ्लेम है, उनका साथ में पर्पस यही होता है कि जो उनके चार्ट में, जो उनके लिए दरकारक आपके आत्मकारक हैं, वो कौन से प्लैनेट हैं, आपका सोल पर्पस क्या है। और डेफिनेटली अगर दोनों का अलग अलग पर्पस है तो दोनों को एक दूसरे के पर्पस में सहयोग करना चाहिए। अगर एक ही पर्पस है तो साथ मिलकर उस पर्पस को पूरा करना चाहिए। किसी तरह का स्किल डेवलपमेंट हो, या मास्टर हो, या लाइट वर्कर हो, अगर साइंसेज में ग्रोथ हो, टीचिंग हो, कोई भी काम आपको इस जन्म में करके अपने सोल को ग्रोथ करना है, तो वो काम साथ में करने से आपकी एक्चुअल ग्रोथ होगी और आपका साथ में ट्विन फ्लेम पर्पस पूरा हो जाएगा। फिर आप इस जर्नी में सेपरेट होकर भी एक्चुअली एक बर्थ में वापस रियूनियन पा लेते हो कि आपने अपना काम पूरा कर लिया है। भले आप लोग अलग अलग रहे हैं किसी बाह्य कारणों के कारण, लेकिन आपका पर्पस पूरा हो जाता है। अल्टीमेटली लास्ट पॉइंट आता है बियॉन्ड 3D यूनियन। इसका मतलब क्या है कि अगर 3D यूनियन से आप अच्छी खासे कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेते हैं या मैरिज हो जाती है, तो उससे आपका 4D एक्टिवेट हो जाता है, एनर्जी के लेवल पे आप कनेक्ट होते हैं। कई बार यूनियन यहाँ पे नहीं होता है 3D प्लेन पे, फिर भी आप 5D को एक्टिवेट कर लेते हैं, आप टेलीपैथिकली
या इमोशनली चैनलिंग यहाँ रिसीव करते हैं अपने पार्टनर की, उसके माध्यम से भी हम यूनियन करते हैं, उसके माध्यम से भी अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हैं। सो ये नेक्स्ट टॉपिक है, हम कभी दूसरे दिन बात करेंगे। आज की वीडियो फिलहाल यहीं तक थी। उम्मीद है ये इंपॉर्टेंट बात आपको अच्छे समझ में, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में डेफिनेटली हेल्प हो। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।